हमारी बेचैनियों में ही हल छिपा है, इस उथल पुथल आज में एक सुनहरा कल छिपा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास है, और उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। दर्शकों, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का संस्कृति के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका उत्साहपूर्ण व्यवहार, उनका नवाचारी दृष्टिकोण संस्कृति के संरक्षण में और उसको जीवंत रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिकता के साथ जब वो संस्कृति को सम्मान देते हैं तो उनके साथ आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, और आज ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हमारे बीच मौजूद है। अब उन्हें नाटी क्वीन कहें या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें या हिमाचली कल्चर प्रमोटर कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो मैंने नाम इन्हें दिए हैं, इन नामों से आप परिचित हो ही गए होंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिवानी ठाकुर जी। थैंक यू सो मच शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया जी। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। वैसे तो आपके बारे में हमारे दर्शक काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो आपके बचपन की बात करें तो क्या कुछ याद करती हैं आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं? एक छोटी सी शिवानी कैसी थी? छोटी सी शिवानी भी ऐसी थी जैसी मैं अभी हूँ, मतलब हाँ, शायद कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी मेरे में, मतलब मुझे लगता है कि शायद अभी भी मेरे में उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बचपन में मैं ऐसी थी कि मैं एक बहुत ही ऐसे एक हैप्पी चाइल्ड थी, मतलब जो, और पढ़ने में भी अच्छी थी मैं, मतलब स्कूल में कभी मेरी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होती थी कि बहुत ज़्यादा शरारती, क्योंकि मैं थोड़ी सहमी हुई भी थी, तो मैं ऐसी थी कि पढ़ने में भी अच्छी हूँ, डांस करना मुझे तब भी इतना ही पसंद था, मतलब जैसे कोई फंक्शन होता था ना गाँव में, मैं हमेशा ये बोलती हूँ हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ, मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते थे चल जा डांस कर ले, तो सबको पता था कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ, और मेरे को मतलब ये है कि वो चीज़ें अगर मैं देखती हूँ ना तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरा एक जो बचपन वाला एक किड जो है ना अभी भी जिंदा है मेरे अंदर। बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत बात है ना कि बचपन एक जो पीरियड होता है और बड़े चल के भी अगर वो जिंदा रहे तो उससे खूबसूरत और कुछ नहीं है। एक्चुअल में बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन मर जाए तो जिंदगी का जो मजा कहीं ना कहीं खत्म हो जाता बिल्कुल, है। जैसे आपने बताया कि बचपन से आप जो है पहले शाय किस्म की थी, लेकिन फादर हमेशा मोटिवेट करते थे ना जाओ बेटा मतलब डांस करो। हाँ, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भी मुझे फैमिली में डीमोटिवेट किया कि तुम डांस मत करो, क्योंकि मेरे घर पर मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं अपने ताऊ जी, अपने पूरी ऐसी फैमिली की भी बात करूं तो हम सब लोग पहले से ही ऐसे हैं कि डांस के लिए सब खुश रहते हैं, मेरे फादर बहुत खुश रहते हैं, मेरा भाई, हम सब लोग ऐसे हैं, तो मतलब हमारा पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है फैमिली में कि कोई रोक टोक थी ऐसे कि नाचो मत लड़कियां हो तुम, शादी में हम फुल ऑन डांस करते थे, तो ऐसा कभी नहीं था कि मतलब किसी ने रोका जी। शिवानी जी, एक बात होती है कि आप शादी ब्याह में डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं, कहीं होता है पेरेंट्स भी कहते हैं शादियों में भी मना कर देते हैं डांस करने को, लेकिन जब आपने जो है रील्स बनाना शुरू किया, या एक तरह से अब तो करियर की बात ही ले लो, एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी एक साइड करियर ही बोल दो, आप जो है एक्टिंग में है, डांस में है, तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आई और उसमें जब आपने खुद को या हमारे हिमाचल को प्रमोट किया, तो उस टाइम घर वालों का रिएक्शन कैसा था? देखो, अगर तो मैं डांस की बात करूं, जब मेरी रील वगैरह जो भी फर्स्ट रील वायरल हुई या मैं रील्स जो बनाती थी उससे मेरे घर वालों को कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग के बारे में एक बार ऐसे पापा को बोला था, मतलब मुझसे उससे पहले पूछ लिया था शूट के लिए, लेकिन उस टाइम बताया नहीं पापा को, फिर मुझे जब दोबारा से पूछा गया कि अच्छा अच्छा ऐसे हम एक शूट करने वाले हैं तो शिवानी हम आपको लेना चाहते हैं, तब मैंने ऐसे ही चलो चांस ले लेते हैं, पूछ लेते हैं घर पे, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं, आपको पता है ना यहाँ पे सोच कुछ अलग है कि अगर आप इस लाइन में है, इस इंडस्ट्री में, तो शायद आपको अलग तरह से देखा जाता है, तो बस वैसा ही था। मैंने अपने पापा को पूछा, पापा बोलते देख ले लोग ऐसा बोलेंगे, तो मैंने सिर्फ ये सुना कि पापा ने बोला देख ले, मतलब देख ले ऐसा कि हाँ चलो हम कर सकते हैं, अगर ऐसा बोला होता कि चुप रहे फालतू में से बात मत कर, तो बात कुछ और होती, तो फिर मैंने आई गिव इट अ ट्राई, तो मैंने शुरू कर दिया फिर, तो ऐसा था। बिल्कुल खूबसूरत बात है, और आज के समय में मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली है, अब हम ये समझने लगे हैं कि हमें समाज क्या कहते हैं या चार लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स क्या कहेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं का ही सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आपने बात की कि पहले गाने के बारे में जो आपने जिक्र किया अपने फादर से कि मैं करना चाहती हूँ, तो आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, खैर प्रोजेक्ट से पहले मैं आपकी पहली रील की बात करना चाहूंगी जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि रील के बाद ही आपको लोगों ने जाना, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिला, तो सबसे पहले उस रील के बारे में बात करते हैं।
तो वो रील मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऐसे ही रैंडमली बना दी थी, बिकॉज मैं एक फेज में थी, एक बुरे फेज में। उस फेज से बाहर निकलने के लिए मुझे ऐसा था कि मेरे को कुछ चाहिए, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मुझे खुद को पसंद है। तो पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने रील्स बनाना शुरू किया। फिर मुझे एक सजेशन मेरे ही एक कज़न ने दिया कि बनाते हो तो नाटकी क्यों नहीं बना लेते। तो मैं ऐसी थी कि नाटकी के गाने ना उस टाइम नहीं मिलते थे, रील्स पे नहीं आते थे। तो मैंने एक गाना उठाया, हाथों दी चौकी दुई शूनी, ऐसे करके मैंने गाना उठा लिया, मम्मा के फ़ोन पे प्ले कर रही हूँ और अपने फ़ोन से ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे ना एडिटिंग आती थी ना मुझे पता था एडिटिंग क्या होती है, नहीं तो एडिटिंग होती है ना आप एक गाना अलग से उसमें डाल देते हो, कुछ नहीं। मैंने झाड़ू हाथ में उठाया हुआ है और मैं उससे शूट कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने झाड़ू नीचे छोड़ा तो उसके पटकने की आवाज़ भी उसमें बिल्कुल क्लियर आई हुई है। तो वैसे मैंने वो एक रील क्रिएट की थी कि मुझे नहीं पता था वायरल क्या है, मैं वायरल हो जाऊंगी इससे, मैंने सोचा भी नहीं था। एंड बाय चांस वो वीडियो लोगों को पसंद आई कि भाई कोई नाटकी ऐसी बना रहा है, तो वो एक पहल ही थी। उस टाइम पे नहीं बनाते थे यूजुअली रील्स, सॉन्ग्स आते थे पर रील्स पहाड़ी नहीं बनती थी, तो फिर वो एक शुरुआत थी एक तरह से। तो फिर इसलिए वो शायद वायरल हो गई, बहुत हिमाचल से बाहर भी लोगों ने सुना। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कॉल किया कि आप ऐसे ऐसे तेरी वीडियो इन्होंने देखी, मुझे भेजी। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया ये, मैं तो डर गई थी, सहम गई थी मैं तो एकदम। जैसे आपने बात की कि जब आपने रील बनाई या जब आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हुए तो आप एक बुरे फेज से गुजर रहे थे, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आप अगर शेयर करना चाहें कि वो ऐसा पल क्या था। वैसे ना मैं ये पहले शेयर कर चुकी हूँ, मतलब और जगह जहाँ मेरी बात हुई थी, बट मैं आपको ऐसे एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि एक फेज़ आया था जब मैं आई वेंट इन टू डिप्रेशन। तो मतलब अभी कोई मानेगा नहीं क्योंकि जैसी मैं हूँ, मतलब तो कोई मतलब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि डिप्रेशन। तो आई वॉज इन डिप्रेशन और मतलब 7 महीने तक डिप्रेशन वाला फेज़ मेरा चलता रहा। वो तो बिल्कुल ऐसा फेज़ है कि जिसका मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है, बस मुझे इतना पता है कि मैं जब किसी से बात करती थी मुझे समझ नहीं आता था सामने वाला मुझसे क्या बात कर रहा है। सो वो एक फ़ेज़ बहुत बुरा था क्योंकि फैमिली इशूज़, पर्सनल इशूज़, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो गई थी। तो वो था, उसके बाद उससे मैं जैसे बाहर आई हूँ, तो इसलिए मुझे कोई बोलता ना कि तू ये करती है, नाटी करती है, ये वो सो पॉइंट आउट करते, मैं सोचती हूँ कि मैं शायद मैं मर भी सकती थी उसमें, क्योंकि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। मेरे को ऐसा होता था कि यार अभी मेरी रूममेट जा रही है तो मैं अगर यहाँ से कूद भी जाऊँगी तो फिर उस पर ब्लेम नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि मैं क्या सोचती थी उस टाइम पर। तो फिर वो एक ऐसा बहुत बुरा फेज था मेरी लाइफ में। जी, ये सुबह का समय है और हम चाहते हैं दर्शकों के जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा रंगीन हो, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे हम धीरे धीरे, पहले भी होता था लोग बात नहीं करते थे, लेकिन अब खुल के बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ पर। और टीनेज ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आपने कहा फैमिली या पर्सनल लाइफ की बात ले लो। तो आप कुछ कहना चाहेंगी जो बच्चे हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि खासकर टीनेज ईयर्स में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बच्चों के एंड से भी और पेरेंट्स के एंड से दोनों, मेरे को लगता है एक चीज ना क्लियर एक बात होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए कि अगर आप रिलेशनशिप्स, बेसिकली मैं बताऊं रिलेशनशिप्स के बारे में बात होनी चाहिए कि तुम अगर आगे जाके किसी लड़के से मिल रहे हो, लड़की से मिल रहे हो, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि बच्चा इतना फ्री फील कर सके, वो शेयर कर सके। हालांकि मेरा जो ये टाइम था ये टीनेज के बाद का था, लेकिन फिर भी थोड़ा मेरे तो मेन जो मैं बताऊं तो वो मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार थे ना, मैं उस वजह से इस इश्यूज में पड़ी थी कि मतलब बट मेरा फिर भी एक मैसेज रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सोसाइटी है अब तो काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, सारी चीजें बहुत ओपनली शेयर करते हैं, विच इज गुड और वो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को एक कंपेनियन मिलना बहुत जरूरी है जिसमें वो शेयर कर सके अपनी सारी चीजें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हो सकता है वो आपके फादर हो, आप उनसे शेयर करो, मदर से शेयर करो, या अपने ब्रदर सिस्टर किसी से भी शेयर करो, पर शेयर जरूर करो, नहीं तो फिर मेरे जैसा फेज आ जाएगा। नहीं, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे आपने कहा कि अभी भी सोसाइटी वैसे ओपन हो रही है इस बात को, लेकिन फिर भी बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसमें अच्छे या बुरे की तो बात ही नहीं है, ये तो एक फेज होता है। और सही बात जो है कि किसी ना किसी के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट पर कि आपकी रील वायरल हुई और आप कहीं ना कहीं उस फेज से निकले, और आई मस्ट श्योर दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर ही निकले होंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो किस तरह से मिला और वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो फर्स्ट प्रोजेक्ट से पहले मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे मैं वही रील जो वायरल हो गई थी, मैंने आपको बताया गाने का नाम है हाथ हथी चौकी दुई शूनी,
तो फर्स्ट प्रोजेक्ट उसके बाद उस रील को के वायरल होने के बाद मुझे कॉल आती है आईसोर स्टूडियोज से. मुझे नहीं पता कि वहां पे मुझसे फोन पे कौन बात कर रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि आईसोर स्टूडियोज के पीछे जो इंसान है वो कौन है. मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बस मुझे एक कॉल आती है और वहां से वो सामने से गाना गा रहे हैं हाथों दी चौकी, मतलब वो एक तरह से वो इम्पैक्ट डालने के लिए कि थोड़ा होता है ना, उन्होंने अपनी तरह से अच्छे से बात की मुझसे बात. और मैं ऐसे थी, मैं जी कौन, ऊपर से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आपको पता है तो फिर उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कुछ ऐसे रूड हूँ. तो वहाँ से वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे मैं सुरेश सुर बात कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता कौन है सुरेश सुर. फिर उन्होंने जब ये बोला कि मैं आईसुर स्टूडियोज से बात कर रहा हूँ, मैं कहा अच्छा ठीक है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम एक गाना करने जा रहे हैं, अभी वो गाना मैंने उनके साथ नहीं किया. तो उन्होंने मुझे बोला हम ऐसे ऐसे गाना करना चाहते हैं आपके साथ, तो आप कर लेंगे? मैंने ना पापा को पूछा, मैंने डायरेक्टली उनको फ़ोन पर बोल दिया सर मैं नहीं कर सकती, मेरे घर पर नहीं मानेंगे. तो सर ने मुझे एक बात बोली कि ठीक है कभी भी आपके घर वाले आपको अलाउ करें तो ज़रूर बताइएगा, बस ये बात हुई. बट उसके बाद मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई सुर सर से उसके बाद. अच्छा, शूट के लिए मुझे फ़ोन आया जिनका सॉन्ग मैंने फर्स्ट शूट किया और वो आईसू स्टूडियोज़ के साथ ही शूट हुआ. तो वो एक सिंगर हैं किन्नौर के हैं, पीके शंकर सर. तो उनका फ़ोन मुझे आता है कि हमें एक गाना करना है ऐसे ऐसे, तो किन्नौर में शूट होगा. मैंने बोला अब तो मैं वो चांस लेके ही रहूँगी. फिर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पापा से पूछा था फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने बोला ट्राई कर, मतलब देख ले लोग क्या बोलेंगे. तो फिर मैंने वो शूट पे मैं गई और मुझे वहाँ पे पता चला कि इसको जो शूट करने वाले हैं वो और कोई नहीं, आईसू स्टूडियोज़ की टीम है. मैं डर गई, मैंने कहा इनको तो मैंने बड़े उससे बोला है फ़ोन पे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती. और मैं कहा पता नहीं ये कैसे बात करेंगे. ऊपर से सर ना बिल्कुल उनका जो लुक है, अगर आपको पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो बियर्ड एंड ऑल, बालों में हम बंद. मैं कहा ये तो बड़े खड़ूस इंसान है. मैंने तो पहले ऐसे सोच लिया, मैं कहा ये बहुत खड़ूस है और बस मेरी तो अब क्लास लग जाएगी. बट जब इन्होंने मुझसे बात की, वो इतने सॉफ्ट स्पोकन और सर इतने हम्बल थे कि मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि वाओ ये तो. और 11 दिन लगे हमारे उस गाने को शूट होने में. गाने का नाम है प्यार हुआ मैशअप. तो वो शूट हुआ 11 डेज में. बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और जब मैंने वो किया तो मुझे लगा मैं अब मैं और करूँ. ये जो आपका एक्सपीरियंस है हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपके एक गाने की एक छोटी सी झलक जो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे. प्यार कुड़े आसा मिलना निबारो, बार कुड़े आसा ओढ़ निबारो, बार कुड़े वो तू छटे चरखे, छटे चरखे दा प्यार कुड़े. दर्शकों, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिवानी ठाकुर जी, और ये देखिए आपने इनके गाने की एक छोटी सी झलक. तो शिवानी जी, हम बात कर रहे थे आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ. देखो रील्स बनाना बहुत ईजी था, फोन रखा सामने,
खड़े हो गए, परफॉर्म किया, कोई नहीं है देखने वाला, आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो, सुपर इजी था. वही चीज जब मुझे कैमरे के आगे करनी पड़ी, बहुत मुश्किल आई मुझे स्टार्टिंग में. जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया, मतलब एक तो आपको पता है किन्नौर की ठंड, हम सर्दियों के टाइम में शूट कर रहे थे और वहां पे ऊपर से फर्स्ट टाइम मेरा शूट करने का, ऊपर से उस गाने में सबसे पहले मेरा डायलॉग. अच्छा. और मुझे डायलॉग से सबसे ज्यादा इसलिए डर लग रहा कि मैं कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जब मैं अपनी आवाज सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसा बोल रही हूँ. तो मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से, हमारा वो शूट था, मैंने आपको बताया जैसे 11 दिन का शूट था वो, क्योंकि हमें पूरा एक बैंड, हमने उसमें बैंड का कुछ वो दिखाया था कि मैं एक बैंड की मेंबर हूँ. अच्छा. तो वैसी एक स्टोरी थी, तो उसमें हमें बैंड्स को अलग अलग लोकेशन, इतनी खतरनाक लोकेशंस पे लेके गए हमें सर, मतलब रस्सियों से हम ऊपर चढ़ रहे हैं पत्थरों पे, वैसी लोकेशंस पे वो शूट हुआ है. मतलब देखने में वो लगता है कि कितना है, चलो 5-6 मिनट का गाना है, इजी है, 11 दिन कम नहीं होते, 11 डेज. एंड दैट टाइम मैं जॉब कर रही थी साथ में, तो मैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर उस टाइम पर काम कर रही थी साथ में. फिर बीच में वो ऐसे हमने इंस्टॉलमेंट्स में शूट किया है कि एक बार गई 2 दिन छुट्टी लेकर, तो उस टाइम जैसे छुट्टी मिल जाती है ना बीच में, तो वैसे वैसे करके हमने वो किया. बट बहुत मुझे मजा आया उसके बाद, और मैंने सोचा मैं दोबारा करूंगी एक गाना. अरे वाह. तो अभी तक का आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, कोई यादगार लम्हा, वैसे तो हर गाना ही ऑफकोर्स यादगार होगा, लेकिन या कुछ फनी इंसिडेंट या कुछ भी आप शेयर करना चाहती हो? अगर हाँ, मैं बताती हूँ आपको, एक गाना है अभी बाजी वक्त की इस करके, हनी नेगी सर का सॉन्ग था वो, उस सॉन्ग का शूट था हमारा, और वो हमारा मनाली में शूट हुआ है. तो उस टाइम पर क्या हुआ, सर हनी नेगी सर बहुत ऐसे बन रहे हीरो अपने आप को, मैं तो जाके यूँ मनाऊंगा, ठाकुर साहब आप देखो ऐसे मना लूंगा मैं यहाँ पे लोगों को, हमें एक घर चाहिए था बेसिकली, तो मैं ऐसे मना लूंगा. और जब हम वहाँ लोकेशन पे पहुंचे, सर अपनी गाड़ी से बाहर नहीं उतर रहे, मैं तो नहीं जाता, आप लोग देख लो आप क्या करना चाहते हो, मैं तो नहीं जाता. बस सर आप ना बिना मतलब कि वो मार देते कि बस मैं शेखिया मार रहे हैं कि मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, मैं आप नहीं जाने वाले. फिर मैं गई और उसके बाद मैंने वहाँ परमिशन ली, और उसके बाद सर बोलते ठाकुर साहब ये तो मैं 2 सेकंड में कर लेता, मैं सर आपको झूठ बोलते हो सर, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं. बट अभी जो अभी मैं एकदम रिकॉल कर पाई तो मुझे यही याद आया. नहीं बिल्कुल, आपने हनी नेगी जी की बात की, और अभी कुछ टाइम पहले मैं आई थिंक कल परसों की बात है, मैं एक रील देख रही थी, उसमें वो आपके नेचर की बड़ी तारीफ कर रही है कि हम ठाकुर साहब जी बड़े प्यारे हैं, हर एक चीज़ को बड़ी हम्बल तरीके से करते हैं, कि जब भी मैं प्रोजेक्ट के लिए बोलता तो हाँ जी सर कब आऊँगी. तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके साथ काम करके कैसा महसूस हुआ आपको? तो मैं आपको बता दूं, एक तो जो मेरी तारीफ की है ना हम्बल वाली, तो मैं ऐसी थी, मतलब मैं हम्बल मतलब होंगी शायद, पता नहीं उसको हम्बलनेस बोलते हैं, आई डोंट नो. मैं पता है कैसी हूँ, मेरे को अगर कुछ कमी भी लगती है तो मैं बोल देती हूँ सर को. सर को क्या, मैं किसी को भी बोल देती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मत करो, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मैं बोल देती हूँ ज्यादा हो रहा है ये. तो मेरा वैसा है शायद, वही चीज सर को ऐसा लगा कि ये तो बहुत ऐसा है, कि ऐसा लगता है फैमिली जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में ही मैं उनके साथ ऐसी थी कि जैसे हम दोस्त हैं, तो वैसा ही कंफर्टेबल एनवायरमेंट उनकी तरफ से भी था. तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ये थे कि भाई मैं तो साइड में बैठा रहूंगा, ये एज अ मॉडल मेरे साथ है, ये मेरे साथ बात, ऐसा नहीं था. बहुत ही एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम सबका क्रिएट हुआ था. मानस गुलाटी सर ने वो शूट किया था, और थे हैरी सर थे उसमें, तो हम सबकी जो टीम थी पूरी, तो बहुत ऐसी फ्रेंडली सा एक एनवायरनमेंट था. इस बारे में हम और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन हनी नेगी जी की बात हो ही गई है, तो एक गाना उनके साथ भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे. आयो संजना रुशा साजनों के तेरा हम भी देखू केरे मनाऊंगी. संजना
प्यारी संजना, ये इतना खूबसूरत गाना है, सबने बहुत पसंद किया, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे शूट के दौरान ये सारी चीजें? ये वही गाना है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये पूरी बात हो रही है ना कि नए बंगलूरे शीशे पूरे बालों बनाऊं दे, तो यही वो बंगला था जिसकी परमिशन सर से नहीं ली गई बेसिकली, जिसके लिए वो इतना ब्रैब कर रहे थे कि मैं तो यूं कर लूंगा और गाड़ी से नहीं उतरे वो, तो यही वो शूट था। और इस गाने की शूटिंग पूरा कहां हुई है और आपने किसके घर, किस तरह का वो एक्सपीरियंस था कि आप कैसे गए, वो पूरा क्या था बैकग्राउंड स्टोरी? एक्चुअली वो जिनका घर भी था वो खुद वहां के नहीं है, वो आई थिंक दिल्ली या कहीं के थे, बाहर के थे, तो बस वो लोग उस दौरान आए हुए थे वहाँ पर। फिर हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे, फिर हमने उनको बताया, इसके बाद तो वो सब लोग हमारे साथ बहुत ऐसे घुल मिल गए थे। इनफैक्ट उधर ही कोई एक अंकल जो जिन्होंने मेरे फादर नहीं, लड़के के फादर का रोल प्ले किया, वो वहीं से हमने उनको बोला था कि चलो हमें आपको लेना है इसमें। तो जितने भी उस घर के मेंबर्स थे वो सब लोग ना ऐसे उन अंकल को भी सिखाते, आपने ये एटीट्यूड दिखाना है, आपने ये करना, तो सब लोग हमारे साथ एकदम घुल मिल गए थे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि शूट के टाइम ना इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ऐसा फनी सा हो जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसके अलावा ठियोग में हमने शूट किया था फिर इसका जो बच गया था पार्ट हमारा। जी बहुत ही खूबसूरत। इन सारे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स के साथ जो है आप व्लॉगिंग भी करती है, तो व्लॉगिंग का जो है वो रील्स पहले आई इंस्टाग्राम पे, आप पहले सोशल मीडिया पे पहले आए कि बाद में आप यूट्यूब, थोड़ा उसके बारे में बताया कि यूट्यूब पे आना कैसे हुआ? देखो यूट्यूब पे मैंने जो फर्स्ट वीडियो तो जो अपलोड की थी, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो मैंने हर जगह डाल दी थी, फेसबुक आई थिंक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, शायद इंस्टाग्राम पे नहीं डाली, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पोस्ट कर दी थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि पेज बनता है, मुझे ये नहीं पता फेसबुक पे मेरा पेज कैसे बन गया मुझसे, बस बन गया वो उस दौरान। आई थिंक ये होगी 16 या 17 की बात, एग्जैक्टली याद भी नहीं है। तो उस टाइम पे वो वीडियो पोस्ट कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इससे अर्न कर सकती हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये जो मेन व्लॉगिंग मैंने शुरू किया अगर, तो व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की 2020 जब कोविड आया, तो कोविड के बाद 2020 में जब हम लोग घर पर थे उस दौरान, क्योंकि मैं गाँव में थी तो गाँव में चीज़ें होती थी दिखाने के लिए, तो उस टाइम पर मैंने ये व्लॉगिंग बेसिकली स्टार्ट की थी। पर फिर भी मैं बताऊं तो मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं थी, हफ्ते की एक वीडियो आ रही है या फिर महीने बाद आ रही है वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पैसों का नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि पैसे मिल जाएंगे इससे। फिर कोई भी मेरा डांस नाटी ट्यूटोरियल, इनफैक्ट मैंने पोस्ट किया था इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर, वो सारी चीज़ें मैं अपने डांस वाली वीडियोज़ पोस्ट किया करती थी यूट्यूब पर। कॉपीराइट पता नहीं था क्या होता है, सारे गानों पर कॉपीराइट, उससे कुछ नहीं कि चैनल इफेक्ट हो सकता, कुछ नहीं आइडिया था मुझे। अभी अगर मैं बात करूँ जो मैंने एक कंसिस्टेंसी अभी जो आई है, वो शायद शादी के बाद कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, जब एक्चुअल में मुझे लगा कि हाँ थोड़ी ऑडियंस भी हमारे साथ कनेक्ट कर रही है, तो उसके बाद से मैंने यूट्यूब एक अच्छे से शुरू किया है। जी तो शादी के बाद कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ी है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी। शादी की बात करें तो थोड़ा सा सभी को ये रहता है कि थोड़ा लव स्टोरी के बारे में जाना जाए कि कैसे कहानी आगे बढ़ी, कैसे शादी हुई, तो थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें। तो पहले तो देखो कि हमारी जो शादी हुई है वो लव मैरिज नहीं है, अकॉर्डिंग टू अस वो अरेंज मैरिज है, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो लव मैरिज है। तो कन्फ्यूजन ये इसलिए है क्योंकि एक्चुअली इन्होंने मुझे जब अप्रोच किया था बात करने के लिए नॉर्मली एक फ्रेंड के थ्रू, नॉर्मली ऐसे कि इंस्टाग्राम पे ये लड़की है बहुत अच्छा डांस करती है, तो मेरा फ्रेंड है उसने बोला आप मैसेज करो, रिप्लाई मैं करवाता हूँ, तो वैसे वैसे फिर मैंने इनको नॉर्मल रिप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं इन्होंने एज ऐसे मैसेज किया था मुझे कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, इसमें कोई लेना देना नहीं था, ना मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं कभी मेरी इनसे शादी हो सकती, ना इनके माइंड में ऐसा था। बाय चांस ऐसा हुआ कि हमारी जब थोड़ा होता है ना इंटरेक्ट आप करते किसी इंसान को थोड़ा जानने की कोशिश करते, उस दौरान इन्होंने बताया कि मैं मेरे मामू रहते हैं वहाँ जहाँ आप रहते हो, तो जो इनके मामू हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से जानते हैं उन अंकल जी को, तो उनके थ्रू फिर इनको पता नहीं क्या स्ट्राइक हो, बोले अगर मैं आपको रिश्ता भेज देता हूँ तो आप क्या बोलोगे, हाँ कर दोगे आप? मैंने सोचा लड़के हैं नहीं बोलते कुछ, मैं कहा हाँ 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 कर दूंगी। मुझे क्या, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रिश्ता ये भेज देंगे। और इन्होंने अपनी मम्मा को बोल दिया, मम्मा ऐसे से मुझे ये लड़की पसंद है, और हमारी बात आई थिंक 10 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हुई होगी। उनकी मम्मा ने उनको फ़ोन कर दिया, उन अंकल को जो इनके मामू लगते हैं, और उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया, ऐसे ऐसे एक लड़का है उसका रिश्ता, और मेरे पापा का मुझे उसी दिन वापस कॉल आता है, बोले तू किसी ऐसे रोहित बांशा के नाम के लड़के को जानती है? और मैं कांपने लग गई, मैं कहा ये क्या। तो हमारी बेसिकली ऐसा है कि बहुत ही एक लव स्टोरी है ही नहीं वो। उसके बाद हमारी जब घर वालों से एक मतलब पापा ने बोला कि ऐसे रिश्ता आया है तो तू देख ले, मैं कहा पापा मैं नहीं जानती हूँ इस लड़के को, मैंने इससे 10 दिन से बात कर रही हूँ। और मेरे पापा बोल रहे बस बस ज़्यादा होशियार मत बन तू, मैं तेरा बाप हूँ। मेरे पापा मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं तेरा बाप हूँ बेटा। अच्छा सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगी थी
अभी जो आपके हस्बैंड है, जब आपकी बात होना शुरू हुई, घर वालों को पता चला, तो वो क्या फैक्टर्स थे? कुछ तो हुआ होते ना कि मतलब कुछ तो बात होगी जो दिल को भा गया कोई चीज, मतलब अपना इंसान ऑफ कोर्स. तो दिल को भाने वाली चीज ये थी कि ये ना कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, कभी मेरे को किसी चीज के लिए ऐसा नहीं है कि तू ये मत कर, कभी नहीं किया. आप देखो ना, अगर मैं अभी इसी की बात करूं, जो मैं सोशल मीडिया पे अभी भी काम कर रही हूं, मैं शूट्स पे अभी भी जा रही हूं, हमेशा वो मेरे साथ जाते हैं, फुली सपोर्ट करते हैं, फुल ऑन सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट मैंने उनको भी अपने साथ और आपकी इसी कंपैटिबिलिटी को देख के हम जो है एक गाना दिखाना चाहेंगे जिसमें आपका एक खूबसूरत सा, आप दोनों की बॉन्डिंग दिख रही है, तो एक गाना हमारे दर्शकों की नजर. दर्शकों, ये देखा आपने गाना बहू रो जा रही, इतना खूबसूरत ये गाना है और इसमें वो जो केमिस्ट्री है, वो जो बॉन्डिंग है, वो इतनी खूबसूरत तरीके से नजर आ रही है और आपके हस्बैंड भी एकदम एक्टर दिख रहे हैं. तो इस गाने के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मेरे को ऑलरेडी जब ये गाना बज भी रहा था ना, मुझे हंसी आ रही थी अभी भी, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसमें एक पार्ट है जहाँ पे वो है, तू बोले तो अबे दिल रू चीरी खोली आ रिहाना. तो मतलब तू बोले तो मैं देखो दिल चीर के दिखाऊंगा. तो उसमें इनका एक शॉट था मेरे हस्बैंड का कि उनको दाटी उठा के से दिखाना है, चीरी खोली आ रिहाना. वो शॉट हमने 20 बार तो कम से कम उसका टेक लिया होगा. और हम लोग लिटरली जब वो शॉट चल रहा था तो उस दौरान हम सब पीछे एक्ट कर रहे हैं, कैमरे के पीछे मैं भी कर रही हूँ, मतलब आपने ये करना है, क्योंकि खुल के अभी वही है ना कि फर्स्ट टाइम था वो, इनका फर्स्ट सॉन्ग था, फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो होता है वो उतना अच्छे से आप खुल के नहीं कर पाते, ऊपर से आप ऐसा शॉट दे दो तू बोले दिल रू एकदम शाहरुख खान स्टाइल में, ऐसे करो, वो सब कुछ इनसे नहीं हो रहा. पर मैं इधर कर रही थी कैमरे के पीछे, ऐसे करो वैसे करो, नहीं किया इन्होंने. फिर भी मैंने इनको बोली मैं लिपसिंग अच्छे से करो, नहीं कर रहे थे. तो जब वो गाना आया और ये वीडियो देख रहे थे ऐसे फुल एक्साइटमेंट के साथ, मम्मा और ये मेरे मदर इन लॉ और ये दोनों साथ में, जैसे ही वो वाला शॉट है बस मैं नहीं देख पाऊंगा वीडियो आगे, क्योंकि वहां पे भी वो शॉट फिर उतना इफेक्टिव नहीं आ पाया. तो मतलब वो एक बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था, हम हंस हंस के पागल हो गए. एक्चुअली दिक्कत इसलिए भी हुई थी ना, वो वाला शॉट जब चल रहा था तो ऊपर मतलब वहीं पे हमारे बोलते पौंडा, आपको तो पता ही होगा, तो वहां पे बैठे हुए थे दो बुजुर्ग. तो मतलब वो दादू ने ऐसे ही देख रहे थे कंटिन्यू, और तो इनके लिए फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा था. हाँ, तो मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस था पर जी. तो दर्शकों ने अभी भी जो हमने क्लिप दिखाई एंड में वही उन्होंने देखा और इतना खराब नहीं लग रहा है, बहुत बखूबी निभाया खुद को लग रहा था उन्हें. अच्छा, खुद को लग रहा था. तो आज इस मंच के थ्रू हम उनको बोलना चाहते हैं कि घर जाके एक और बार उसको वीडियो को देखें, बड़े प्यार से देखें, बड़े ही खूबसूरत है. जी जी. तो आपने जैसे बात कही कि वो आपको हर कदम पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और शादी के बाद भी आप लोग अब तो साथ में व्लॉगिंग करते हैं,
तो वैसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हिमाचल इतना डाइवर्स है, 12 जिले है, अपना अपना कल्चर है। आप जो है करसोग क्षेत्र से आप जो है संबंध रखती है और आपकी शादी रोहडू में हुई है, तो क्या कुछ चेंजेस आप देखती है? चेंजेस बेसिकली मेरा क्या है कि मुझे ना कल्चर्स में कहीं के भी अडाप्ट जल्दी कर लेती हूँ, और मेरा ये है कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट में जाऊँगी मैं जल्दी वहाँ घुल मिल जाती हूँ। तो मतलब इनफैक्ट अभी मैं घर पे भी आती हूँ ना, अपने मायके आती हूँ, तो मेरी मम्मा ये बोलती है तू ना वहाँ की भाषा बोलने लग गई है। उनको लगता है ना ऑब्वियसली अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ और ये उन्हीं की तरह बातें करने लगी है। तो वो होता है आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो तो आप उनकी चीज़ें सीखने लग जाते हो। वहाँ पर मैंने देखा कि जितना मैं अभी तक रोडू में देख पाई हूँ, वहाँ पे हमसे भी ज़्यादा जो वो कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है उधर का कल्चर, हमसे भी ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे वहाँ कुछ कम है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो मैंने देखा ना वहाँ पे, जैसे शादी की सपोज डेट फिक्स करनी है तो देवता जी को पूछ के की जाती है जी। हमारे रोडू में है ना, करसोग में ऐसा तो नहीं होता था, पंडित निकालता है तो हमारे वो तो नहीं होता। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे आप हर चीज़ को बाद में मानेंगे, जो आपके देवता है आपके कुल देवता जी उनको सबसे पहले हर चीज़ के लिए माना जाता है। तो ये मैंने देखा है, हमारे भी मानते हैं लेकिन जैसे शादी के लिए नहीं पूछते, नहीं पूछते किसी चीज के लिए, देवता जी को स्पेशली नहीं पूछा जाता। तो वैसी चीजें मैंने देखी, बहुत अलग है बट बहुत अच्छी है दोनों जगह की जी। तो कहते भी है कि शादी तभी चलती है वो जो दो पहिए है या जो गाड़ी के दो टायर है, चार टायर होते हैं पर दो की हम बात करेंगे जी, जी। जो एकदम पटरी पर चले और वो आपको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनको सपोर्ट करती ही हैं। और अभी मैं देख रही थी क्योंकि आपके बगीचे भी हैं तो अभी आपने ऑनलाइन भी किया था शुरू, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मुझे लगता है पहली बार ही वो काम भी पहली बार ही किया है आपने, तो मतलब वैसे ऑनलाइन एप्पल्स बेचना ना कोई मतलब दूसरों लोगों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग एप्पल्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड का ना आई थिंक 2016-17 से ये चाहते थे कि मैं जब अब क्योंकि ये फुल टाइम ऑर्चर्ड्स ही देखते हैं अब अपने है ना, साथ में हम जो थोड़ा सोशल मीडिया का कर लेते हैं, तो इनका था कि मैं ऑनलाइन बेच के देखना चाहता हूँ। अब बस वो ये कि इनको एक वो होता है ना कि आपको जो एक पुश चाहिए था वो शायद नहीं मिल रहा था, वो शादी के बाद मैंने दिया कि चलो करते हैं इस बार ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने बस एक ट्रायल का सोचा था कि चलो लेट्स सी क्या हमारा रिस्पांस रहता है। आप मानेंगे नहीं, हम लोगों ने कुछ वेबसाइट नहीं थी हमारे पास, हमने क्या किया सिर्फ एक जाके एक हमने स्पेशली उसके लिए बास्केट ली थी खरीद के, वहाँ हम लोग बगीचे में गए, सेब कलेक्ट किया अपने बगीचे के सेब, और वो हमने उसकी एक वीडियो बना दी कि ऐसे ऐसे जी, और जिस वैरायटी की हमने वो वीडियो बनाई थी उस वैरायटी, वो वैरायटी हमारे पास थी भी क्वांटिटी में कम। आप मानोगे नहीं, हम लोगों का फोन लिटरली फ्लडेड था वो मैसेजेस से, व्हाट्सएप मैसेजेस, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया था ऑर्डर के लिए, और जिस फोन में हमने वो नंबर रखा होता था वो फोन हमारा ऐसे थोड़ा टूटा फूटा, वो फोन हैंग हो गया क्योंकि लोगों के इतना ज्यादा मैसेजेस आए, हम लोगों ने तो उतने सेव भी नहीं रखे थे। हमने सोचा था मैं कहाँ इतने कितने ही ऑर्डर आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, हम लोग 3000 मैसेजेस इन अ डे। और कितना खूबसूरत लगता है ना जब साथ में ग्रो करते हैं, पहली बार आप कोई चीज कर रहे हैं और कदम कदम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद एक अलग ही खुशी महसूस होती होगी। हमने एक एक छोटी छोटी चीज हमने खुद अपने हाथों से पैक की है उसमें, बहुत ही खूबसूरत। और जिनको अगर सेब खराब भी पहुंचे तो हमने उनके पैसे रिफंड किए हैं, तो मतलब फर्स्ट टाइम था ना हमारा। तो अब तो हमने वेबसाइट अपनी तैयार कर ली है के एनके ऑर्चर्ड्स के नाम की, बहुत ही खूबसूरत जी है। तो मैं इसके अलावा आपसे, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, शायद लोग भी आपसे पूछते होंगे कि आपने जैसे नर्सिंग की है, आप ट्यूटर भी रहे हैं, तो शादी के बाद आपने वो छोड़ दी है जॉब और अभी अपना यूट्यूब देख रहे हैं, ऑर्चर्ड्स देख रहे हैं, तो क्या नर्सिंग को लेकर कुछ है फ्यूचर प्लान, कुछ सोच रही हैं आप? बिल्कुल, मैंने ना नर्सिंग छोड़ी नहीं है ना मैं उसे छोड़ सकती, बिकॉज मेरा एक जो सोल है वो कनेक्टेड है नर्सिंग से, बिकॉज मैंने एज अ स्टाफ नर्स जॉब की है, एज मैंने टीचिंग की है, और मेरा जॉब छोड़ने का रीज़न मेरी शादी नहीं थी अकेला। जॉब छोड़ी मैंने इसलिए बिकॉज एक तो ये कि मैं हर चीज़ मेरे को सोशल मीडिया वाला भी देखना था, दूसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ टाइम जॉब की शादी के बाद, बट वो होता है ना कि आपको एक अपनी जब अपने ससुराल में कनेक्ट करना है, आपको कनेक्ट करना है सबके साथ, अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन बिल्ड, अपने इन लॉज के साथ कनेक्शन, तो उसके लिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़े टाइम तो एटलीस्ट गैप देना चाहिए। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में जाके, बिकॉज मैं मैंने एक और यूट्यूब चैनल बना दिया है, उसका भी एक शुरुआत अच्छे से मैं नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे को ऐसा है कि पहले मेरे पास 10 वीडियो होनी चाहिए तब मैं उस पर पोस्ट करना शुरू करूंगी। तो वो जो यूट्यूब चैनल है वो स्पेशली नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसपे मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का सोचा है। तो ये खूबसूरत, और कितनी खूबसूरत बात है, मतलब कहीं ना कहीं
अगर इंसान को पता है ना, क्योंकि प्रायोरिटीज शायद वक्त के साथ जैसे चेंजेस आते हैं उसके साथ चेंज हो सकती है और शायद होनी भी चाहिए, तभी वो जो लाइफ को जीने का मज़ा है तभी हम पूरी तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको हिमाचली कल्चर प्रमोटर के नाम से जाना जाता है और आप करती भी है हिमाचल का जो कल्चर प्रमोट करती है, सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानते हैं। लेकिन अभी मैं जब आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो लोगों का थोड़ा सा प्रस्पेक्टिव ना अब ये है कि कल्चर प्रमोटर है तो एकदम उनके नज़रों में कि सभ्यता होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना आ जाए, तो आपको सच में वो बैक क्लैशेस मिलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन पे कुछ आपको बोला जाता है या पहनावे पे बोला जाता है या कुछ ऐसा? बिल्कुल, मुझे हमेशा से बोला जाता है। अभी तो रिसेंटली खैर मैं गोवा जाके आई थी तो हम थोड़ा घूमने गए थे, घूमने से तो ऑब्वियसली हम गोवा गए तो मैंने कपड़े, यू ड्रेस अप अ सर्टन वे, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे ड्रेस अप करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन काफ़ी किया गया कि अब ये हो रहा है कल्चर प्रमोट। तो देखिए मैं पहले से ये बोलती आई हूँ कि मॉडर्नाइजेशन अच्छी बात है, ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि मॉडर्नाइज होना इज रॉन्ग, लेकिन उस प्रोसेस में अपने कल्चर को भूल जाना दैट इज रॉन्ग। तो आप देख रहे हैं मैं बचपन से लेकर एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ पे हमारा ड्रेस से हम लोग स्कर्ट पहनते थे, ठीक है, तो हमारी नी लेंथ की स्कर्ट हुआ करती थी, तो उसमें अगर आप मेरे पहनावे से मेरे कैरेक्टर को जज करना चाहते तो वो तो कहीं मतलब गलत है ही। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप सिर्फ डांस करके, नाट्टी डांस करके ही प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने का हर एक तरीका, मतलब सबका हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है, है ना। आप मैं अगर अपने पुराने टाइम से अभी तक देखती हूँ तो अब लोग शर्माते नहीं अपनी बोली में बात करने से, है ना, पहाड़ी में बात करेंगे एकदम, और मैं भी करती हूँ, मैं अभी तक करती हूँ, मतलब घर पे मैं पहाड़ी में बात करती हूँ, मेरे तो बल्कि नॉर्मली मैं अभी बात करी, मेरी अभी भी पहाड़ी निकल सकती है बीच में बात करते करते फ्लो में, बिकॉज दैट इज मी, ठीक है। मैं मेरी जो ऑडियंस है मैं उनको फेक नहीं दिखा सकती कि मैं तो सिर्फ यही धाटू ही पहने, मैंने आज तक मैंने सिर्फ यही कपड़े पहने और मैंने कभी वेस्टर्नाइज ड्रेसेस नहीं पहनी, मैं ऐसी हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं ऐसी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं कल्चर को कैसे प्रमोट कर रही हूँ वो भी आपको बताना चाहिए। सो दैट इज माय पॉइंट। ये सही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कल्चर प्रमोटर तो है, आप प्रमोट कर रहे हैं लेकिन एक पर्सनल लाइफ भी होती है और जगह देखकर इंसान चीजें करते, चाहे खाता पीता है, रहन सहन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो करता है। लेकिन आपने संस्कृति की बात की और हिमाचल की बात की, आपने रोडों के रिच कल्चर की बात की, पूरा हिमाचल ही बहुत एकदम रिच है कल्चर के मामले में बात की जाए। आपका एक बहुत खूबसूरत गाना है इंद्रजीत के साथ, और इंद्रजीत जी की जब हम बात करते हैं तो एकदम विशुद्ध कुल्लूई संस्कृति हमें देखने को मिलती है, तो एक विशुद्ध कुल्लूई लोक संस्कृति का एक गीत हमारे दर्शकों के नजर। गुरंदी गुगती गुगती लगी नाचदी, धरत मती होसदी, रंग बिरंगी गुगती छोली रे छता चुगदी, रंग बिरंगी गुगती। दर्शकों ये देखा आपने एक और खूबसूरत सा गीत।
शिवानी जी, कैसा एक्सपीरियंस था इंद्रजीत जी के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी दौरान मैं एक और गाने के शूट पे साथ में गई हुई थी किसी और के साथ, लेकिन साथ में फिर वही कि इनके साथ का भी एक गाना शूट किया, तो ये तो एक डांस नंबर था। हमने तो फुल ऑन एक पार्क में, बहुत जल्दी शूट हो गया था ये सॉन्ग, आई थिंक 3 आवर्स में पूरा गाना शूट हो गया। जॉलीनेस भी दिख रही है, एकदम खूबसूरत दिख रहा है बिल्कुल। मतलब और ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि हमें बार बार टेक्स लेने पड़े, आई थिंक एक टेक में सर ने बोला ठीक है डन। ये भी आई सुर स्टूडियोज पे ही आया क्योंकि इंद्रजीत सर के तो वहीं आते हैं गाने, तो सुर सर ने शूट किया है, एक टेक होता था, चलो ठीक है हो गया डन, नेक्स्ट डन, ऐसे मतलब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है ये तो शूट सॉन्ग। और ये जो गाना एकदम ऐसे लगता है नदी जैसे फ्लो करती है ना, जहाँ भी फ्लो करे खूबसूरती के साथ, वो खूबसूरती भी इस गाने में है। बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अब जो क्रिएटर्स है रिकग्निशन मिल रहा है, लोग जानने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल नेगेटिव मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव लोगों की तरफ से भी बहुत है और पॉजिटिव इम्पैक्ट एक हर तरह से। नेगेटिव इसका ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ अभी कंटेंट बहुत अलग अलग किस्म का है, लोग बहुत ही अलग अलग किस्म का, किसी को सिर्फ किसी का मजाक उड़ाने वाला कंटेंट, मीम्स जैसे बोलते हैं ना, देखने में तो मज़ा आता है, देखने वाले को तो बहुत मज़ा आ रहा है कि अरे भाई ये तो बहुत फनी हो गया, लेकिन उस पर जिस इंसान के बारे में आपने बात की आपको नहीं पता कि उसका मेंटल स्टेट इस टाइम पर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी के मेंटल स्टेट के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं जब हम ये करते हैं, हालांकि चलो ठीक है जिन्होंने बनाने मीम्स बनाओ, आई हैव नो ऑफेंस अगेंस्ट देम, आप लोग करो जो आप कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव से भी आप उतना ही गेन कर सकते हैं जितना आप एक नेगेटिव से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी मेरे को, मैंने अपने आप जो एक्सपीरियंस किया है, मेरी प्राइवेट लाइफ में ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम, मैं किसी की शादी में जाती हूँ, मेरे साथ अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस रहा है, किसी की शादी में गई हूँ, बारात में गए हैं, डांस कर रहे हैं हम लोग स्टेज पे, एक मेरे साथ मेरे ननद, मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे कंधे पे हाथ रख के डांस कर रहे हैं ताकि मतलब लोग ऐसे ना जाए, क्योंकि आ जाते हैं, एक आंटी आते हैं मेरी ननद का हाथ मेरे कंधे से उठा के ऐसे फेंक देते हैं, शिवानी के साथ फोटो खींचनी है, मतलब ये थोड़ा लोगों को भी देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे बढ़े तो अच्छा हो सकता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ एक और गाना कुलदीप शर्मा जी के साथ। खूबसूरत सा गाना। शिवानी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसको बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया है, मतलब बड़ी खुशी होती है देख के।
आज इस मंच से जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल में जो हिमाचली कल्चर प्रमोटर है, काफी नए बच्चे आ रहे हैं जो करना चाहते हैं, उनको एक छोटा सा संदेश? तो मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि एक तो एकदम से ग्रो करने की कोशिश मत करो, चीज़ें धीरे धीरे होंगी पर अच्छी होंगी अगर आप धीरे, रॉन्ग वेज मत चूज़ करो एकदम फेमस होने के लिए, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने कल्चर को मत भूलो, तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारा हिमाचली जो कल्चर है वो भी प्रमोट हो रहा है, और इस बात से और ज़्यादा खुशी क्या होगी कि आप अपने कहीं ना कहीं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थी शिवानी ठाकुर जी, और जिनके बारे में आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में आप और जानें। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन यूं ही जाने नहीं देंगे आपको, ये अंत भी कार्यक्रम का एक खूबसूरत तरीके से आज हम इस कार्यक्रम को यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।